श्री राम की महानता। ये कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की अनुमति दीजिए। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिय राम से दूर नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूं। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन सूर्पनखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो, वो इस वन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने पर सूर्पनखा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ, इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है। मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका मन कैसे नहीं पिघला? सूर्पनखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने सूर्पनखा के नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही सूर्पनखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है, मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। सूर्पनखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रीगण के साथ राज दरबार में बैठा था। भैया रावण, भैया रावण, देखिए आपकी बहन सूर्पनखा के साथ क्या हुआ। सूर्पनखा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में दो भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं, उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग करके लाता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, इसीलिए इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है, आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा।
रावण ने सूर्पनखा की बात मान ली। वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए लंकेश। मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु मैंने सुना है राम बहुत वीर है, अगर उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हरने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वध कर देंगे। और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया तो मैं अभी यहीं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वन पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण की तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कराहता हुआ चीखने लगा, सीते, लक्ष्मण। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता, जो भी हो आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और वो आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो ये तपस्वी बिना भिक्षा ग्रहण किए ही तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आई। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूँ। और रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई। और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने बानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाद का भी वध कर दिया, और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण बहुत मायावी था, वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। राम के तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। Ha 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 ha
यहाँ तक कि राम ने रावण का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। किंतु ऐसा करते ही अगले ही क्षण उसका एक नया सिर आ जाता था। ये रावण मरता क्यों नहीं? तभी विभीषण वहाँ आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा और रावण कराहते हुए धरती पर जा गिरा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया।